बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ और एक ऐसी कुरानी दुआ पर बताने लगी हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस कुरानी दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक गैबी रिज़्क अता फरमाते हैं, खैर व बरकत अता फरमाते हैं। जहाँ कहीं से रिज़्क का कोई वसीला नज़र ना आ रहा हो, मायूसी और ना उम्मीदी की अथाह गहराइयों में घिरे शख्स पर से परेशानी दूर हो जाती है। रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के वक्त पढ़ना रिज़्क के दरवाज़े खुलवा देता है और रमज़ान शरीफ में अगर इसको इफ्तारी के वक्त पढ़ा जाए तो इससे रिज़्क में बेपनाह इजाफा होता है। ये अमल सूरह मायदा की आयत नंबर 114 का है और वो आयत कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माईदातम मिनस समाई तकून लाना ईदन ले अव्वालेना व आखिरेना व आयात मिनका वरज़ुकना व अंता हैरुर राज़िकीन। ज़ेर ज़बर पेश की गलती माफ़ कीजिएगा। इस आयत को पढ़ने का तरीका ये है कि आप सुबह शाम यानी नमाज फजर और नमाज मगरिब के बाद अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ साथ 11 बार ही ये आयत पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारें। बस आपने दिल ही दिल में दुआ मांग लेनी है और मकसद को अपने जहन में रखना है। आप ये अमल ज़िंदगी भर दिन में कई बार कर सकते हैं और इसको ज़िंदगी भर का मामूल बना लें। इंशाल्लाह ताला ऐसा गैब से रिज़्क का वसीला बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे और आपकी हर ज़रूरत घर बैठे ही पूरी हो जाएगी और आपको किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करना पड़ेगा। एक साहब बताते हैं, हमारे घर में फ्रिज नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती और परेशान भी इतने ज़्यादा होते कि बस कोई बात ही नहीं थी। अबकरी रसाला में एक मर्तबा सूरह मायदा का अमल पढ़ा, अल्लाह पाक ने हम पर करम किया कि हमारे घर बड़ा फ्रीज़र आ गया और साथ में जनरेटर के लिए भी दुआ की और थोड़े ही दिनों में बड़ा जनरेटर भी मिल गया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ सूरह मायदा की आयत नंबर 114 की बदौलत हुआ। हमारा कारोबार ठप था, सिर्फ इसी आयत की बदौलत हमारा कारोबार चमक उठा। मेरे बच्चे तालीमी मैदान में आगे बढ़े, जब ये वजीफ़ा मिला ज़िंदगी में आसानी आ गई है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।